सरकारी नौकरियों में मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के पैसे की भूख शांत नहीं होती। इसी के चलते भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर ऐसे लोग उम्र भर में कमाई गई इज्जत को चंद पैसों की लालच में तार तार कर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। बावजूद इसके रिश्वत के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार को अजमेर एसीबी ने जलदाय विभाग के हेल्पर को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेल्पर नाथू सिंह ने रिश्वत की राशि नए कनेक्शन जारी करने के लिए मांगी थी। एसीबी की स्पेशल टीम को सुखाड़िया नगर निवासी प्रेमचंद ने शिकायत दी कि जलदाय विभाग के केसरगंज स्थित कार्यालय पर तैनात सहायक कर्मचारी नाथू सिंह नया पेयजल कनेक्शन जारी करने के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत का सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी के खिलाफ जाल बिछाया। नाथू सिंह द्वारा पहले 2,500 रुपए की मांग की गई, लेकिन बाद में मामला 1,500 रुपए में तय हो गया। एसीबी सीआई रामदयाल सिंह के अनुसार इस रकम में से 500 रुपए बुधवार को आरोपी को दिए गए, जबकि 1,000 रुपए की रिश्वत के साथ गुरुवार को उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सहायक कर्मचारी नाथू सिंह है जो 2,500 की रुपए की मांग कर रहा है। नए कनेक्शन तब लगेगा जब 2,500 दोगे, जिसका सत्यापन के लिए मैंने अपना कांस्टेबल परिवादी के साथ भिजवाया तो 1,500 रुपये में मामला तय हुआ, जिसे 500 रुपये परिवादी ने कल ही दिनांक 8 तारीख को दे दिए। बाकी 1,000 रुपये आज देने का वादा हुआ, जो सत्यापन सही पाया गया। आज सुबह कार्रवाई की गई है, 1,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।